वेव हैविंग इक्वेशन, एक वेव की इक्वेशन दिया गया एक्स वन इज इक्वल टू ए साइन और एक्स टू इज इक्वल टू इतना है, मतलब टू वेव्स है हम लोगों के पास, एक ये वाली है और एक ए वाली है। अब इन दोनों का मिलन हुआ, सुपर इम्पोज हुए द रिजल्टेंट वेव, तो जो नई वेव बनी इन दोनों को मिलाया गया, तो जो नई वेव बनी उसकी फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द सुपर इम्पोजिंग वेव, मतलब जो नई वेव बनी उसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड इन दोनों के इक्वल है। द फेज डिफरेंस निकालना है। अब फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे, जब दो वेव मिलती हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला आपको याद होगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है वो एम्पलीट्यूड ए वन स्क्वायर प्लस एम्पलीट्यूड ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू फेज डिफरेंस कॉस फाई के इक्वल है अंडर रूट। ये क्या है, जब दो वेव्स ऊपर इम्पोज किए उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल के इक्वल है, इंडिविजुअल का एम्पलीट्यूड कितना है, देखो दोनों का एम्पलीट्यूड ए वन और ए टू आपस में बराबर है और वो है ए, और रिजल्टेंट भी ए है, तो क्या फाई नहीं निकाला जा सकता है, बड़े आराम से निकाला जा सकता है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों साइड स्क्वायर कर दो, आर की वैल्यू ए है ए स्क्वायर, और इधर आ जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस फाई, यहाँ से फाई निकाल लो, तो ए स्क्वायर ने ए स्क्वायर को ख़त्म कर दिया, तो यहाँ से टू कॉमन ले लो, तो वन बाई टू इज इक्वल टू वन प्लस कॉस फाई बच गया, ए स्क्वायर खत्म हो गया, और कॉस फाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी वन बाई टू माइनस वन, मतलब माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू मतलब होता है कॉस 120 डिग्री, तो कॉस 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 120 पाई अपॉन 180, तो पाई जीरो ने जीरो को, और ये थ्री बाई टू बाई थ्री, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस फाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी थ्री कॉस, है ना, ए कॉस थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, कॉस 120 को मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो फेज डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा पाई वो थ्री पाई बाई टू आ जाएगा, दिस इज द फेज डिफरेंस, हाँ थ्री पाई बाई टू पाई, एक मिनट यहाँ हल्का सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 120 को, तो 120 को कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 और 3 मतलब 2 पाई बाई 3, तो जो फेज डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा पाई वो कॉस फाई एंड कॉस 120 मतलब 2 पाई बाई 3, तो फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू दैट इज 2 पाई बाई 3, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, बी ऑप्शन सही है।